भी 15 रोटियां खा के तब बच्चों को वो चढ़ गया गोश्त कढ़ाई का और वो सो रहे हैं नींद। अतुल टाटा ग्लोरिया जींस में कॉफी पीने सो फैमिली साथ भी बैठे हैं आप और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है राजा जैनवासी और आप देख रहे हैं आज डे व्लॉग्स। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है 31 दिसंबर और आज है हैप्पी न्यू ईयर कड़े 3-4 घंटे बाद अभी हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है। तो फिलहाल अभी हम जो है घूमने आए हैं फन क्लब में, साथ है मेरे अब्दुल रहमान, मेरे पप्पो का बेटा। हेलो अब्दुल रहमान, कैसे हो? सो अभी हम जो है थोड़ी गेम्स वगैरह खेलेंगे, फन करेंगे। और अभी अरसल एक गेम खेल रहे हैं, आपको दिखाते हैं अरसल कौन सी गेम खेल रहे हैं। आप कौन सी गेम खेल रहे हैं? हाँ मज़ा आ रहा है, चलें हम बाइक पर इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है आप खेलें। सो अभी ये खेल रहे हैं मगर फर्स्ट टाइम ट्राई थी इसकी यहाँ पे गेम प्ले पे, तो इतना कुछ खास मालूम है तेरे बाप को मत सिखा यार। अभी हम दोनों खेलना चाह रहे थे मगर वो दोनों से ही नहीं चल रहा, तो अभी अब्दुलरहमान ही वाला खेलेगा फिर मैं दूसरा लैप करूँगा। सो अब्दुलरहमान देखते हैं आज फिर आपके कैसी ड्राइविंग है, ठीक है? हाँ ठोक दिया है, अच्छे से चलाओ। सो यार इस गेम पे जो है मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था तो मुझे चलानी नहीं आ रही थी, मैं बटन दबाया तो कुछ और ही हो गया। मैंने कहा भाई आ जा यार चला दे, तो भाई आया चला के गया। और मुझे गाड़ी चलाने के इसलिए ज़्यादा शौक है क्योंकि मुझे रियल में ड्राइविंग आती है, सो मैं इसी गाड़ी ये चलाने के लिए बैठ गया। मगर यार इसका जो है ना मुझे चलाने का कुछ ख़ास मज़ा नहीं है, लाइक जैसे वो लग रहा था ना फीलिंग आ रही थी मगर वैसा महसूस नहीं हो रहा था। समझ रहे हो ना जैसे गाड़ी खुद चल रही है। सो गुजारा मैंने किया, गेयर शेयर वैसे लगा रहा था मगर लग रहे कोई नहीं थे मुझसे। अभी बच्चे ये खेलने आए हैं मगर ये खेल रहे अच्छे से नहीं है, ये इसको जो है बाहर फेंक देते हैं। आई थिंक इसका ये जो है सेफ्टी वगैरह नहीं लगा हुआ, तो ये ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चा लोग खेल रहे हैं गन्स वाली गेम और इनसे ठोकने एक भी नहीं हो रहा यार, सच पूछो तो बिल्कुल बेकार हैं ये बच्चे। इनके ज़माने में हम होते तो था एक अगर ये ऐसी गेम खेलते तो आगे से उसके छिछड़े उड़ा देते थे, बट अभी हम बड़े हो गए तो हमें ये गेम वगैरह पसंद नहीं है हम, इसलिए हम बड़ी गाड़ियों वगैरह गेम चलाते हैं और हम बाइक वगैरह चलाते हैं। बाइक फिर अभी अरसल को मैंने ट्राई करवाया तो अरसल साहब भी जो है ना अब्दुलरहमान की तरह इधर उधर लगा रहे थे तो ठीक ही थे, बस चला रहे थे बस ठीक ही है, ज़्यादा कोई नहीं इतने गजब बेइज्जती है। लाइक यार अभी मुझसे पहले इन्होंने ट्राई किया बट इनसे नहीं हो रहा था, बट फिर मैंने कहा यार मुझसे तो होगा क्योंकि मुझ पर अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस था। तो जैसे ही मैंने इन किया और सही पकड़ में ही आ गया था मगर जब जैसे बंद किया बटन तो ये पकड़ा ही नहीं इसने और एकदम से ऊपर आ गया। मैंने कहा यार ये तो हमारे साथ फ्रॉड ही करने कमीने लोग, फ्रॉड हो गया हमारे साथ। सो ये कहता है नहीं भाई ऐसे ही होता है। मैंने कहा खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है, मगर यार सवाल ये पैदा होता है कि मैं किसके साथ दुख बांटूं। म्यूजिक। सो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन था कि हम अपने मुर्शिद को बिठाना चाह रहे थे मसाज चेयर पे और मुर्शिद नहीं मान रहे थे, सो मैं खुद ही बैठ गया। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, जवान हड्डियां और पूरा खून है, सो आपको तो पता है पता नहीं क्या बोली जा रहा हूँ मैं, मगर यार मेरी टांगों को इतना दर्द था कि मैंने कहा यार खुद ही लेट के आराम कर लूँ। और यार इतनी स्पीड ज़बरदस्त मसाज हुई और अपू मुझे यहाँ पे कह रहे थे बेटा लेटे नहीं रहना, देखना ये ना हो कि शूज़ ही तुम्हारे कोई उठा के ले जाए। सो मैंने कहा बेफिक्र है वो कुछ नहीं होता ऐसा। सो गाइस ये हम फन क्लब को अलविदा कहते हैं, घर वाले गए आगे। अच्छा मैं बैठा था मसाज सीट पे और थोड़ा मसाज वगैरह ली, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला यार, कसम से सारी थकावट दूर हो गई। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं घर वाले कहाँ गए।
थोड़ी शॉपिंग वगैरह उन्होंने करनी थी, तो लेट्स ही देखते हैं। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस अभी हम आए हैं फूड स्ट्रीट में, डबल हैबर शनवारी में। अभी हम यहाँ पे खाने वगैरह खाएंगे एंड अभी टाइम हो रहा है 11:01, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर फैमिली के साथ खाना वगैरह खाएंगे, आपको भी इंतजारा कराते हैं। और फिर जो है 1 घंटा रह गया ईयर को अगला साल स्टार्ट होने वाला, थोड़ी ही देर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइज यहाँ पे हमने दुमा कढ़ाई मंगाई थी साथ नान रायता वगैरह, और बस भूख इतनी लगी थी कि यार खाने के वीडियो बनाने के टाइम ही नहीं बचा। सो अल्हम्दुलिल्लाह से गाइज अभी खाना वगैरह खा लिया है। सो खाना वगैरह खा के तो ये देखें मस्टंडे सीधे हो गए, यहीं पे नींद आ गई है इनको। ये कढ़ाई जैसे बिल्कुल खाली कर दी है इन्होंने, ठीक है। दो कढ़ाइयाँ दुम्बा खा के, 15 रोटियां खा के, तब बच्चों को वो चढ़ गया गोश्त कढ़ाई का और वो सो रहे हैं नींद उठा रहे हैं। अरे अभी यही पे सो गए, अभी आप कढ़ाइयों का आपको नजारा कराते हैं, देखें। ये खाली हो गई हैं, इनका सिर्फ थल्ला रह गया है, इसमें कुछ नहीं बचा। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका आपको सबको बेसब्री से इंतजार था। सो 2024 आपको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अच्छा सो गाइस हमने फायरवर्क्स तो एंजॉय नहीं किए क्योंकि हम खाना खा के ख़त्म किया जब तो न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका था, लाइक 1 मिनट रह गया था। सो वहाँ से हमने टैक्सी वगैरह की और फिर घर पहुँचे। अभी 2023 में हमने खाना खाया और 2024 में आके घर पहुँचे, वगैरह हो रही है। मज़ा आया न्यू ईयर की एंजॉयमेंट की। न्यू ईयर का आखिरी जो है 2023 का हमने सैटरडे से ही इंजॉय किया। और फिलहाल हम थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, लाइक थोड़ा मूवी शो ही देखेंगे और फिर जो है रात 2-1 बजे हम निकलेंगे वॉक के लिए। सभी रात के बज रहे हैं 2, मैं जरीश भाई लोग हम निकले यहाँ पे रात को न्यू ईयर मनाने। अभी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे जो है हम जा रहे हैं मरकज़ में, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और घूम फिर के आ जाएंगे। अतुल टाटा। जैसा कि आप देख सकते हैं रात के अभी बज रहे हैं 2:15 और फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, हम हैं और खाली रोडें हैं और राजा साहब हैं। राजा साहब अभी बर्थडे विश करके हैं रिजवान अंकल को। तो कैसी रही बर्थडे आपकी? काफ़ी अच्छी रही जी, शुक्र से हो गया थोड़ा सा। 2023 में गए थे रिजवान अंकल के, तो आप 2024 में आ रहे हैं, एक साल बाद आके कैसे महसूस हो रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। बस ठीक है जी, बस गुजारा कर जाते हैं। अच्छा तो ये है यार इस्लामाबाद का फायदा, ये है कि अभी रात को 2 बजे भी निकले तो मरकज वगैरह ओपन है, अच्छा शुगल मेला हो जाएगा हमारा न्यू ईयर का। सो हम आए हैं ग्लोरिया जीन्स में कॉफ़ी पीने। सो कैमरे के साथ अभी बैठे हैं, आपको कॉफ़ी दिखाते। सो गाइस कॉफ़ी आने में थोड़ा टाइम तो लगा यार, बट लुकिंग सो गॉर्जियस कॉफ़ी यार, मज़ा आया। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सो ये है मेरे भैया जान जो वॉक करके काफ़ी थक चुके हैं। सो अगर आप अपने गांव में ऐसे घूमे फिरे हो या फिर ऐसे वॉक की हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।